ओके, लेट्स स्टार्ट। डाइसिव सिस्टम, पहले तो कौन बताएगा मुझे डाइसिव सिस्टम क्या होता है? अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो। आवाज प्रॉपर आ रही है ना? ईयरफोन तो नहीं लगाना है? सर प्रॉपर आ रही है। जिसने अभी जवाब दिया ना प्रॉपर आ रही है, वो बताएगा डाइसिव सिस्टम का इंट्रोडक्शन क्या होता है। डाइसिव सिस्टम गुंजन है क्लास में? गुंजन अरे आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? सर गुंजन नहीं है क्लास में। एब्सेंट है, ठीक है, इसका 3 दिन का एब्सेंट लगाना। अब सी द डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि हमने बात की थी कि ह्यूमन बॉडी के बारे में जब भी हमें स्टडी करना है तो ह्यूमन स्टडी के माइक्रोस्कोपिक स्टडी से स्टार्ट करते थे। पहले हमने पहले देखा था फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज सेल। फिर हमने देखा था द ग्रुप एंड कंपोजिशन ऑफ सेल इज द टिश्यू। फिर ऑर्गन्स के बारे में, उसका सिस्टम्स के बारे में, फिर पता चला था हमें बॉडी क्या है। तो इन द सेम वे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सिस्टम, वन मोर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। सी द इंट्रोडक्शन, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज यूज फॉर ब्रेकिंग डाउन फूड इन टू न्यूट्रिएंट्स विच देन पास इन टू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड आर टेकन टू वेयर दे आर नीडेड इन द बॉडी। तो व्हाट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम एक वो सिस्टम है जिसे हमारे बॉडी में जो फूड इंटेक कर रहे हैं उसको डाइजेस्ट करके न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करता है, ठीक है, और उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करा के सर्कुलेटरी सिस्टम भेजा जाता है। और ये न्यूट्रिएंट्स इस सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी के हर एक सेल तक सर्कुलेट किए जाते हैं और वहां पर इनका यूज होता है टू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और यू कैन से प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। दिस सिस्टम इज कंपोज बाय सेवरल ऑर्गन्स, यू कैन से इन द डायग्राम। This is the diagram of digestive system. You can see the organs of the digestive system. Those are first one, mouth, oral cavity proper, pharynx, जिसमें आता है oropharynx and laryngopharynx within the digestive system. Except it, we have three parts of pharynx, naso, oro and laryngo. But within the digestive system, we will discuss about only two parts of the pharynx because these two parts are involved in the digestive system. Those are oropharynx and laryngopharynx. Next one part of the digestive system, esophagus. नेक्स्ट स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसका सबसे पहला पार्ट आता है ड्यूडेनम, फिर जिजेनम एंड इलियम। इलियम कंबाइंड होता है लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन के साथ में। इट्स आल्सो सेपरेटेड इन 5 डिफरेंट सेगमेंट्स। फर्स्ट वन इज असेंडिंग कोलोन, जिसका पहला पाउच होता है सीकम विच अटैच्ड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन इलियम पार्ट। असेंडिंग कॉलन के बाद आता है ट्रांसवर्स कॉलन, उसके बाद आता है डिसेंडिंग कॉलन, फिर आता है सिग्मॉइड कॉलन, रेक्टम, एनल कैनाल और एनस। दीज आर द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑर्गन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द एलिमेंट्री ट्रैक्ट एंड सेकंड वन इज द एसेसरी ऑर्गन्स। तो जितने ऑर्गन्स को मैंने अभी नाम लिया फ्रॉम माउथ टू एनस, दीज आर द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट। गॉट इट? एंड नेक्स्ट वन इज एसेसरी ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन्स आर दोस, एसेसरी ऑर्गन कहते किसको? दोज ऑर्गन्स हेल्प इन द डाइजेशन, मींस वो सारे ऑर्गन जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। बट दीज ऑर्गन्स आर नॉट द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रैक्ट, मीन्स इनके अंदर से भोजन या फूड है वो डायरेक्टली पास आउट नहीं होता है, बट दे आर हेल्पिंग इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आर कॉल्ड एसेसरी ऑर्गन्स, दोज आर सलाइवरी ग्लैंड्स, लिवर एंड पैनक्रियास। सो दीज आर द एसेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस तरह से हमने, शायद मुझे याद है मैंने पहले भी डिस्कस किया है आपके साथ में, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन कैटेगरी इज एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, एंड सेकेंड वन कैटेगरी इज एसेसरी ऑर्गन्स। बोला करो बच्चे, आप चुप हो जाते हो। पहले बताया मैंने आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन और एक्टिव पार्टिसिपेटेड स्टडी इज मोर इफेक्टिव कंपेयर टू केवल लिसनिंग। सी द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शंस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर फर्स्ट इंजेस्ट फूड।
मींस फूड को एलिमेंट्री ट्रैक्ट में एंटर करवाना, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करवाना, इंजेस्ट करवाना इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकंड वन, ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स और मॉलिक्यूल्स मींस डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के बड़े बड़े पार्टिकल्स को, जो पीसेस हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल, वाटर, इन सब चीजों को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज द एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मींस हमारे जितने भी डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स हैं, आफ्टर डाइजेशन जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिले हैं, उनको एब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्जॉर्प्शन, सेम कि अरे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेशन, सेम कि जो हमारे फूड पार्टिकल्स हैं या जो भी चीज आउट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन है, उनका ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड फ्लो के अंदर एंटर कर जाना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम, रिड द बॉडी ऑफ इनजेस्टिबल रिमेन्स। ठीक है, दीज आर द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ देयर आर फोर स्टेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके फंक्शंस की अगर हम बात करें, जो कि मेन फंक्शन है डाइजेशन, वो चार स्टेप्स में कंप्लीट होता है। फर्स्ट है इंजेशन, टेकिंग इन फूड, खाने को बस इस सिस्टम के अंदर एंटर करना, मींस माउथ जो पहला पार्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट का, उसके अंदर एंटर करवाना इंजेशन कहलाता है। हाथ से प्लेट में से फूड को उठाया और एलिमेंट्री ट्रैक्ट के फर्स्ट पार्ट माउथ के अंदर एंटर करवा दिया, दिस इज द इंजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट वन इज द डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड इंटू न्यूट्रिएंट्स। जो फूड है, फूड के जो लार्ज पीसेस हैं, उनको पहले स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करना, फिर स्मॉल पार्टिकल्स को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करना, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इज द दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन। अब पहले इंजेस्ट किया फूड को, फिर आपने डाइजेस्ट किया उसको मॉलिक्यूल्स के अंदर, न्यूट्रिएंट्स के अंदर, अब इन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाना इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एंड लास्ट वन एजेशन, रिमूविंग एनी लेफ्ट ओवर वेस्टेज। हमारी बॉडी में फूड के डाइजेशन के बाद जो वेस्ट पार्टिकल्स, वेस्ट मटेरियल बचता है, फीकल मटेरियल बचता है, उसको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, इसे डिफिकेशन भी कह देते हैं। सो हैव यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या रोल प्ले होगा, कैसे प्ले करेगा? यस सर। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। पहले क्या करना है, फूड को इंजेस्ट करना, मींस प्लेट से उठा के खाने को मुंह के अंदर पहुंचाया, दैट इज कॉल्ड इंजेशन। फिर मुंह से लेकर के जब वह फूड पूरे डाइजेस्टिव ऑर्गन से होकर निकलता है, मींस माउथ, फारिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सारे ऑर्गन में चलते चलते उसका डाइजेशन होता है, मींस उसमें से मॉलिक्यूल्स को, न्यूट्रिएंट्स को सेग्रीगेट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड डाइजेशन। एब्जॉर्प्शन, जब वो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट हो जाते हैं, उनके बाद उन डाइजेस्ट न्यूट्रिएंट्स को ब्लड सिस्टम में पहुंचाना एब्जॉर्प्शन कहलाता है, और बचा हुआ फीकल मटेरियल, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको बॉडी से बाहर डिफिकेट करना इज कॉल्ड इजेशन, ठीक है, या डिफिकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वन बाय वन। फर्स्ट वन ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द माउथ। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, टंग मिक्स फूड विद सलाइवा, कंटेन एमाइलेज व्हिच हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च। तो माउथ के फंक्शन क्या है, सबसे पहले फूड को डाइजेस्ट करना, कैसे, मैकेनिकल डाइजेशन। हमने डाइजेशन के दो प्रोसेस पढ़ी थी, मैंने आपको इंट्रोडक्शन टाइम पे समझाया भी था कि वी हैव टू प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, फर्स्ट वन इज द मैकेनिकल डाइजेशन एंड सेकंड वन इज द केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है कि हम फूड के लार्ज पीसेस को दांतों की सहायता से पीस करके छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, मीन्स उसको बोलस में कन्वर्ट करेंगे, काइम में कन्वर्ट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ टूथ, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन क्या था कि उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को केमिकल रिएक्शन से, जो कि एंजाइम और हार्मोन्स के द्वारा फूड के ऊपर की जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स को सेग्रीगेट किया जाता है, मींस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सब चीजों को सेपरेट किया जाता है फूड में से, दिस इज द केमिकल डाइजेशन। तो माउथ क्या करता है, सबसे पहले टीथ उसको मैकेनिकली ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, उसका टंग है वो उसमें सलाइवा को मिक्स करेगा, और सलाइवा के अंदर क्या होता है, एमाइलेज, जो कि स्टार्च के डाइजेशन में या उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करता है। एपिग्लॉटिस इज अ फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर एट द बैक ऑफ द थ्रोट दैट क्लोज ओवर द ट्रैकिया प्रेजेंटिंग फूड फ्रॉम एंटरिंग इट। नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है वो है एपिग्लॉटिस, जो कि कहां पर प्रेजेंट होती है, ओरल कैविटी के एंड पार्ट पर, जहां पर ओरल कैविटी का एंड होता है और ओरोफेरिंक्स का स्टार्टिंग होता है।
आप डायग्राम में देख सकते हो, सेकंड डायग्राम में सेंटर के अंदर जो पीछे बैक फ्लैप पोर्शन बना हुआ दैट इज द एपिग्लॉटिस। और इसका फंक्शन क्या है कि जब हम खाने को स्वेलो कर रहे हैं, फूड को स्वेलो कर रहे हैं, तो ये कहीं नेजल कैविटी में नेजो फरिंग्स के अंदर एंटर ना कर जाए। नेक्स्ट वन, पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम और यू कैन से ओरल कैविटी। फर्स्ट वन टीथ, इनका फंक्शन और ग्रिंस योर फूड मींस आप जो खाना खा रहे हो उसको पीसना। नेक्स्ट वन इज द सलाइवरी ग्लैंड्स, प्रोड्यूस द सलाइवा इन द माउथ एंड टंग, हेल्प टू पुश फूड इनटू द इसोफेगस एंड मिक्सिंग आल्सो। पहले टीथ है, टीथ का फंक्शन क्या है, जो फूड है उसको मैस्टिकेट करना, पीसना। सलाइवा का फंक्शन क्या है, स्टार्च का डाइजेशन करना, मींस फूड जो आपने इंटेक किया उसको लुब्रिकेट करना और उसमें से प्रेजेंट स्टार्च को ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट वन इज द टंग, टंग का फंक्शन क्या है, हेल्प टू पुश फूड इनटू योर इसोफेगस, मींस जो आपने खाना खाया है, जो आपने अभी उसको सलाइवा के साथ मिक्स किया है, टूथ के साथ में मैस्टिकेट किया है, जब वो कंप्लीट बॉलस फॉर्म हो जाता है, जब फूड को मैस्टिकेट करने के बाद सलाइवा मिक्स हो जाता है, तो जो स्ट्रक्चर बनती है फूड की, अब उसको फूड नहीं, हम बॉलस नाम दे देते हैं, लुगदी हिंदी में कहते हैं। इस फूड को स्वेलो करने के लिए अंदर पुश कौन करता है, टंग। नेक्स्ट टीथ, वी हैव फोर टाइप ऑफ टीथ, फर्स्ट वन इंसीजर, सेकंड कैनाइन, थर्ड प्री मोलर एंड मोलर। ये आपने पढ़े होंगे ट्वेल्थ में भी, ये सुनो। तो चार टाइप के हमारे पास टीथ है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब इनमें सबसे आगे इंसीजर कटिंग टीथ भी कह देते हैं इनको, जो आपको दिख रहे होंगे सबसे आगे के दो, ठीक है। इसके बाद आते हैं कैनाइन, तो आपको जो चार दिख रहे हैं, दो राइट में दो लेफ्ट में, ये कौन से हैं, कैनाइन। प्रीमोलर, मोलर से जस्ट पहले वाले ना जो कैनाइन है उनको बाइटिंग टीथ भी कहा जाता है, ठीक है। प्रीमोलर और मोलर दोनों मैस्टिकेशन में हेल्प करते हैं, मैस्टिकेटिंग टीथ कहलाते हैं, और मोलर है जो लास्ट में होता है, इसे विजडम टूथ भी कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन ये देखिए, पहला इंसीजर, इसको बाइटिंग एंड कटिंग टीथ कहा जाता है। इसके बाद कैनाइन, इसे ग्रास्पिंग एंड टीयरिंग टीथ कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रीमोलर, ग्रीडिंग एंड क्रशिंग टीथ भी कहा जाता है, एंड मोलर, ये भी ग्रीडिंग एंड क्रशिंग टीथ ही होते हैं। द टंग इज नॉट ओनली वन मसल, इट इज अ ग्रुप ऑफ मसल्स एंड इट इज ऑल्सो वट वी यूज टू टेस्ट फूड विद। टंग क्या है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है कंप्लीटली, जो आगे जिसके दो एंड होते हैं, फर्स्ट वन फ्री एंड एंड सेकेंड वन, फर्स्ट वन होता है फ्री एंड, सेकेंड वन एंड वो बाइंड अप होता है एक बोन के साथ में, और उस बोन का नाम क्या है कोई बताएगा, टंग पोस्टियरली किस बोन के साथ बाइंड अप रहती है, किस बोन के साथ अटैच्ड रहती है, एनी आइडिया बच्चे? यस, नाम बताओ बेटा जिसने हायर बोन बोला। अंजलि शर्मा। यस, बड़ी जल्दी नाम बता दिया, वेरी गुड बच्चे अंजलि। हायर बोन एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी अदर बोन के साथ में अटैच्ड नहीं होती है, और आपको ऐसे याद ना रहे तो अपने माइंड में फिक्स कर लेना कि एक अकेली हायर बोन हमारी बॉडी की ऐसी बोन है जो किसी भी दूसरी बोन के साथ अटैच नहीं होती, बाकी हमारी बॉडी में जितनी बोन है वो पूरी 206 हड्डियां किसी ना किसी बोन के साथ में अटैच्ड है, एक्सेप्ट हायर बोन, ठीक है। हॉर्सशू शेप होती है जिसके साथ में टंग का लाइगेशन होता है, टंग का पोस्टीरियर एंड हायर बोन के साथ में लाइगेट रहता है। ये टंग कंप्लीटली मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसमें कई टाइप की मसल्स होती हैं, ये स्क्लेटल मसल्स की बनी हुई होती है, इसलिए इसके अंदर वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं। साथ ही साथ मसल्स इस टंग के अंदर टेस्ट बर्ड्स होती हैं, और उन टेस्ट बर्ड्स के अंदर नर्व एंडिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जो नर्व एंडिंग होती है किसकी, ग्लोसल नर्व की, जो कि एक पार्ट है ग्लोसोफेरेंजियल क्रेनियल नर्व का, ठीक है। और ये ग्लोसल पार्ट की नर्व एंडिंग टेस्ट का फील कराने में हेल्प करती है, मीन सेंस ऑफ टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, जो कि हमने सेंसरी ऑर्गन्स के में भी पढ़ा था। कैन यू रियली स्वेलो योर टंग, नो यू कैन नॉट। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द थिन लेयर ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट योर टंग इन द बॉटम ऑफ योर माउथ कॉल्ड द फ्रेन्युलम। Your tongue is also attached to a front and side of the
फारिंग्स। आप टंग को अंदर स्वालो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी टंग का जो लोअर पोर्शन है, इंफीरियर पार्ट है, वो एक पतली सी टिश्यूज की फिल्म के साथ, एक लेयर के साथ अटैच्ड होता है, इसे कहते हैं फ्रेन्युलम। आप टंग को ऊपर करके देखो, आपको नीचे एक अटैचमेंट मिलेगा एक टिश्यूज का, जिसे फ्रेन्युलम कहते हैं। ये हमारी टंग को अटैच करके रखता है, और साथ ही साथ हमारी टंग के कुछ लेटरल सर्फेस है, फारिंग्स के साथ अटैच रहती है। इसीलिए हम टंग को अंदर स्वेलो नहीं कर सकते, मीन हमारी टंग फारिंग्स और इसोफेगस या स्टमक के अंदर नहीं जा सकती। नहीं तो पता चला, अगर अटैच नहीं होती तो आप खाना खा रहे हो, सोचा था खाने को स्वेलो कर लें, पता चला टंग ही अंदर चली गई पेट में, है ना? तो टंग को स्वेलो नहीं कर सकते। अरे कभी तो हंस दिया करो, बोर हो जाओगे नहीं ऐसे पढ़ोगे तो। Now we'll talk about the anatomy of tongue. ठीक है, आपको टंग का डायग्राम दिख रहा है, जिसमें ऊपर आपको एपिग्लॉटिस सबसे ऊपर, जो कि एक मस्कुलर फोल्ड है, जो फूड को स्वेलो होने से रोकता है, कहां पर? नेजल कैविटी में। अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। नीचे इसके प्लेट ऑफ फारिंजियल आर्क, जो कि अटैच होती है फारिंग के साथ में, टूथ को, सॉरी टंग को अटैच करके रखती है। इसके नीचे है टॉन्सिल्स, इसे पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी एक इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा होगा, टॉन्सिलाइटिस, तो यही वो टॉन्सिल्स है जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन होता है। इसके बाद आपको फूड को स्वेलो करने में बड़ी दिक्कत होती है, मींस यू हैव सीवियर थ्रॉट पेन, मींस आप खाना निकलोगे तो आपको गले में दर्द होगा, इवन पानी पीना भी मुश्किल होता है। इसके नीचे लिंगुअल टॉन्सिल्स, ऊपर जो है लार्ज वाली, जो दोनों साइडों में होती है, राइट एंड लेफ्ट, पैलेटाइन टॉन्सिल्स कहलाती है, जो कि पैलेटाइन बोन से अटैच होती है। इसके बाद जो टंग से अटैच टॉन्सिल्स है, उनको कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल्स। इसके नीचे है पैलेटोग्लॉसल आर्क, ये एक आर्क है जो कि टंग और टॉन्सिल्स की मार्जिन को सेपरेट करता है, ठीक है। सेल्कुलस टर्मिनलिस, ठीक है, मिडिल एंड यू कैन से द सेंटर पार्ट होता है, यू कैन से टंग की मिड लाइन का सुपीरियर पार्ट कहला दो, कहते हैं इसको। इसके बाद आता है पैपिला, सर्कमवेलेट पैपिला, ठीक है। फिर टंग का डोर्सल पार्ट, जो ऊपर आपको दिख रहा है, जिसको आप टच करते हो, क्लीन करते हो सुबह, है ना। इसके ऊपर छोटे छोटे पैपिला प्रेजेंट होते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला और फंजीफॉर्म पैपिला, इन्हें टेस्ट बर्ड्स नाम दे देते। आपको जो ब्लैक एंड व्हाइट डायग्राम दिख रहा है उसमें आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको यहाँ पर तीन टाइप के पैपिला दिख रहे होंगे, एक है सर्कमवेलेट पैपिला, ठीक है, फिलीफॉर्म पैपिला और फंजीफॉर्म पैपिलाई। ये हर एक मिलकर के टेस्ट बर्ड्स बनाते हैं, इनके अंदर नर्व एंडिंग प्रेजेंट, इनको टेस्ट बर्ड नाम देते हैं, टेस्ट का फील करवाते हैं, और हर एक टेस्ट बर्ड अलग अलग टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। द टंग कैन डिटेक्ट फाइव बेसिक टेस्ट, बिटर, सॉल्ट, स्वीट एंड उमामी। बिटर टेस्ट आप जानते हो, कड़वा वाला, सॉल्ट जानते हो, नमक वाला टेस्ट, खट्टा, सॉर, स्वीट, मीठा, उमामी कौन सा टेस्ट होता है? एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज द उमामी? बताओ बच्चों, नहीं बताओगे तो पिटोगे। अंजलि, अंजलि बेटा, यस सर, उमामी क्या होता है बेटा? नहीं पता? यस और नो बताओ जल्दी से, ताकि मैं बताऊं फिर। सर ये फिल्म टेस्ट होता है। कैसा? अच्छा, फिफ्थ टेस्ट होता है। वो तो मुझे भी पता है फिफ्थ टेस्ट होता है, पर कैसा होता है फील? कभी किया है आपने इसको फील? आपने कभी आयरन को चख के देखा है, लोहे को? यस सर, कभी लोहे जाता है, कभी लोहे की कोई चीज मिल, घर पे लोहे का कोई बर्तन है, हम उसको टंग से चख लेते हैं, तो क्या कभी ज्यादा, मतलब यस सर, बहुत तेजी सा लगता है वो टेस्ट। हां, ऐसा लगता है टंग के ऊपर कुछ अलग सा, मतलब बिटर टाइप होता है, पर वो बिटर भी नहीं होता, बिटर भी नहीं होता, और बहुत सॉल्टी सा भी लगता है कुछ कुछ। हाँ हाँ हाँ, मतलब बर्तन सॉल्टी होगा बेटा फिर। कोई बात नहीं है, आप घर जाना, ठीक है, कोई साफ सी स्टरल चीज लेना आयरन की, और उसको टेस्ट करके देखना, उसका जो टेस्ट है वो उमामी टेस्ट कहलाता है, ठीक है। टेस्ट में बी डिस्क्राइब बाय एसोसिएशन विद द पर्टिकुलर फूड, एग्जांपल मीटी, माइंटी एंड फ्यूटी, ठीक है। हम टेस्ट को ऐसे ही डिफाइन कर देते ना कि मीट
आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर। एक मिनट आते हैं ना, बीच में बड़ी गड़बड़ करते हैं। हाँ अरे वैसे 6 मिनट बची हैं और खुल गया। टेस्ट में भी सॉरी डेंसिटी कैन बी आल्सो बी रिकॉर्डेड, एग्जांपल माइल्ड और स्ट्रॉन्ग सैडर। आपने टेस्ट को सुन लिया, कैसे डिफाइन करते हैं हम? कभी कहते हैं कि ये मीटी टेस्ट है, मींस मीट जैसा है। कभी कहते हैं मिंटी है, मींस मिंट जैसा टेस्ट आ रहा है। कभी फ्रूटी है, मींस जो जिस चीज खा रहे हैं उसका वैसा टेस्ट नाम दे देते हैं। बेसिकली टेस्ट 5 होते हैं, कौन कौन से? बिटर, साल्ट, सॉर, स्वीट एंड उमामी। ऐसे हम डेंसिटी भी डिसाइड करते हैं, इंटेंसिटी कितना है टेस्ट का। कभी कोई हल्का सा टेस्ट आ रहा है, कहते हैं ना हल्का खट्टा लग रहा है। कभी तो नहीं नहीं बहुत खट्टा है, टाटरी खा ले तो बहुत ज्यादा खट्टी हो जाती है, टमाटर खाते हो थोड़ा थोड़ा खट्टा है। ऐसे ही टेस्ट को हम इंटेंसिटी भी डिसाइड करते हैं, माइल्ड टू स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वन, व्हाट इज उमामी? यहां देख लो, उमामी इज ए सैवरी टेस्ट ऑफन नोन एज द फिफ्थ टेस्ट। इट इज सबटल टेस्ट एंड ब्लेंड्स वेल विद अदर टेस्टेस। इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर किकुमाई इकेडा फ्रॉम टोक्यो इंपीरियल यूनिवर्सिटी जापान इन 1998। क्या करना मैं इनके बारे में जान के? When you look at your tongue in the mirror, you can see raised areas or you can say bumps. What are these raised areas called? These raised areas are called papillae. आप जब अपनी टंग को शीशे में देखते हो तो आपने देखा उसके ऊपर कुछ गूज़बम्स ऐसा दिखाई देता है आपको, देखा है कभी? यस सर। अरे बड़े शैतान हो बच्चों। तो आपको उसमें जो गूज़बम्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं उनको क्या कहते हैं? पैपिलाई, और टेस्ट बर्ड्स भी नाम दे देते हैं। सी द पैपिला जो हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, द थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ पैपिला वी हैव। Those are first one, fungiform, which are the larger one located in the front of the tongue. जो tongue के सबसे आगे वाले हिस्से में होते हैं, आप diagram number C देख सकते हो, जो front हिस्से में है वो सबसे large होते हैं, sorry, diagram number first में, A में. Next the filiform, which are the smaller one in the front. जो सामने छोटे छोटे वाले होंगे वो कौन से होंगे? Filiform. And valid, which are the large one in the back. There are only 8 to 10. आप देख सकते हो एंड में सी डायग्राम के अंदर दिख रहा है आपको, देखो डायग्राम में फंजी फॉर्म आपको देख रहे होंगे, डायग्राम नंबर डी में आपको फिली फॉर्म देख रहे हैं, डायग्राम नंबर सी के अंदर आपको वैलिड पैपिला देख रहे हैं, ठीक है। पैपिला हैव टू पर्पजेस। द पर्पज ऑफ द पैपिला इज टू ग्रिप द फूड एंड विद द टेस्ट बर्ड्स दे कंटेन। They also taste the food. इनके दो फंक्शन है, पहला पहला एक तो फूड को ग्रिप करके रखना, उसको पकड़ के रखना, और दूसरा फंक्शन होता है इनका टेस्ट का एहसास करवाना, ठीक है। नेक्स्ट कलम ये ऑरल कैविटी के बारे में था। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, मींस फारिंग्स और ईसोफेगस, ठीक है। कल कोशिश करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम तक खत्म करने के लिए इसको, ताकि हमें इसको विद इन 5 डेज खत्म करना है ऐसे सिस्टम को। तो आई होप कि आपको जितना ऑफलाइन क्लास में समझ आता था उतना नहीं आ पा रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द डायसिस सिस्टम। वी विल आई विल टीच यू थ्रू द डिफरेंट पीपीटीज, बिकॉज वन सिंगल पीपीटी कैन नॉट एबल टू मेक अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे पर्सनली मेल करके मैसेज करके पूछ सकते हो। बाकी आपको ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हमें ऑनलाइन क्लास में केवल लेक्चर्स देना है, डिलीवर करना है, आपको समझाना है, लेकिन आपको उसे अंडरस्टैंड करने के लिए बुक्स को रेफर करना पड़ेगा। जो भी आपको ऑर्गन पढ़ाया जा रहा है उसको बुक्स में जाके पढ़िए, जहां जितना समझ आता है उसको समझिए। कुछ भी डाउट होता है तो आप पर्सनली कॉल करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। अभी तक मैं क्लिनिकल में था, बाकी मैनेजमेंट की चीज़ों को हैंडल करने में लगा हुआ था, बट नाउ वी विल कंटिन्यू विद द स्टडी रेगुलरली, ठीक है।
तो आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है बच्चों? ओके, आप में से कोई एक बच्चा मुझे प्लीज अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना ताकि मैं आपके अटेंडेंस लगा दूं। थैंक यू मेरे बच्चों।